एडिक्शन नहीं, भूत चढ़ता है इनको। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी कितना बज रहा है, आपको टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। वो 1:20-1:25 हो गया है और मैं ऑलमोस्ट आपको रेडी सी दिख रही हूँ। आधी से ज़्यादा मैं रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज आज मैं मिलने जा रही हूँ, जब मैं मिलूंगी तब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ, हमारी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। मतलब इतने सारे लोग हैं ना जिनकी अभी लिस्ट बनी हुई है कि हाँ मुझे इन लोगों से मिलना है। देर आर 3-4 तो मेरे मतलब जो सब्सक्राइबर टर्न फ्रेंड्स हैं वो हैं जिन लोगों से मुझे मिलना है, पेंडिंग होता जा रहा है किसी ना किसी रीज़न से। तो अभी फाइनली एक से मेरा चेकलिस्ट हुआ है कि हाँ चलो इसका डन हो गया है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। एंड फॉर्चुनेटली वो थाने में ही रहती है, तब भी हमारा 1.5-2 महीने बाद हम मिल रहे हैं। हमारा कब से प्लान डिले हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ क्योंकि यार इतने सारे काम रहते हैं घर के और फिर मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो यू नो वो कुछ ना कुछ रीज़न से पेंडिंग हो जाता है। तो अभी मैंने जो टॉप पहना, आई नो बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं टॉप आपने कहाँ से लिया, तो ये जो टॉप है ये रफल स्लीव्स का है और ये मैंने लिया था फ्रॉम मैक्स। और अभी मैं बस फटाक से रेडी हो रही हूँ। अभी लुक एट द सिचुएशन ऑफ माय बेड, देख रहे हो आप लोग क्या हाल बना रखा है इस बेड का। तो मैं आकर के सारा क्लीन करूँगी, अभी तो मैं क्लीन नहीं करने वाली हूँ। और अब मैं फटाक से रेडी होती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। करेंटली आई एम यूजिंग ना दिस नायका का सीरियल किसर लिप बाम। कितने का आता है ये? 145 रुपीज का आता है। ट्रस्ट मी, मैंने सारे तरह के लिप बाम यूज़ कर रखे हैं बट ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। एक्चुअली जो कलरलेस लिप बाम्स होते हैं वही एक्चुअल हाइड्रेशन देते हैं आपके लिप्स को। तो एक तो ये लिप बाम बहुत अमेजिंग है और एक और फैब इंडिया का लिप बाम है बट वो मैंने भोपाल में छोड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो वेन यू नीड यू नो रात में लगाने के लिए बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजेशन चाहिए आपके लिप्स के लिए तब के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद एक और लिप बाम है जो कि ये कलर वाला है, न्यूयॉर्क कलेक्शन लिमिटेड आलिया भट्ट वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है बट इसको जैसे जब आपको कलर चाहिए होता है लिप्स पे, ये 1-1.5 घंटे ज़्यादा नहीं चलता है आपकी लिप्स पे। ओके, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस लॉरियल का मैट मजीद और साथ में मैट फिट मी का जो 230, मेरा शेड है 230 एंड मैट मजीद में मेरा शेड है, आई डोंट नो व्हाट्स द शेड इन दिस, आई थिंक G3 या G1 है और ये है फिट मी का 230 शेड है मेरा। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज टू फाउंडेशंस। तो जब तक मेरा जो फाउंडेशन है वो सेटल डाउन होगा, अभी मैं इसको इसके लगाने के ऊपर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ फाउंडेशन लगाया मैंने। तो मैं फटाफट से अपने हेयर जो है वो ब्लो ड्राई कर लेती हूँ बिकॉज वेदर इस तरह का हो रहा है मुंबई में कि ये खुद से नहीं सूखते हैं, मेरे को इनको
अनफॉर्चुनेटली ब्लो ड्राई करना पड़ता है। ये है क्रोमा का एंड काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये 2.5 साल से मेरे पास है और अमेजिंग वर्क करता है, काफ़ी सारे फंक्शंस है इसके अंदर। तो मैं ना अभी आपको मैक का रूबी वू लगा करके दिखाऊंगी, तो मैं मेरे को ना पता नहीं, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी डायरेक्टली, हो सकता है ये मेरे साथ होता है या आप लोगों के भी साथ होता है, बट एक 1500 लिपस्टिक मतलब 1500, और इसके लिए ना इतने लोग क्रेव करते हैं इस मैक की रूबी वू के लिए, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी। अभी आपके सामने मैं कंसीलर लगा रही हूँ, कंसीलर लगा के प्रॉपरली जो लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं ना लिपस्टिक को, मैं वैसा बना करके इसको जाऊंगी, और आप देखना जब मैं आऊंगी 3 घंटे बाद, अगर मैंने कुछ भी अपने मुंह में खा लिया या नहीं भी खाया, इवन पानी भी पी लिया ना, तो मेरी जो लिपस्टिक है वो इतनी गंदी तरीके से फेड होती है, इतनी गंदी तरीके से फेड होती है मैक की लिपस्टिक कि मैं आपको क्या बताऊं। दिस इज फ्रॉम कलरपॉप, ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे मंगवा के दिया था फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर से, ये यहाँ इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, बाहर मिलता है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है, काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है बाहर, मतलब फॉरेन कंट्रीज में ये काफ़ी अफोर्डेबल मिलता है। तो यू नो ये, और अगर मैं मैक की लिपस्टिक से इसको कंपेयर करूँ ना, एक सेकेंड मैं निकालती हूँ अपना मैक का, ये है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये एक आपको बड़ा साइज का ही, तो बहुत छोटा साइज है, तो फुल साइज आपको 900 या 1200 ऐसा कुछ मिलता है ये, और ये आपको मिलता है 1500 का फुल साइज इसका। ओके, ये भी फुल साइज ही है, और अभी इसका छोटे वर्जन आने लग गए 900 रुपीज के, बट अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो ये ऐसी लिपस्टिक है कि अगर मैं इसको मतलब लगाऊं सुबह 24 घंटे ये नहीं निकलेगी, और इतनी लाइट वेट है, आपके लिप्स पे लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको टचअप करना है या ये करना है। अब हमने खाना खा लिया, हमारी लिपस्टिक को जो गंदी सी यहाँ से फेड होती है ना, वैसी तो नहीं लग रही है, तो ये वैसी लिपस्टिक है। और एक स्वाइप में तो इसका कलर ही नहीं आता है, ये मतलब पिगमेंटेड है बट एक स्वाइप में इसका कलर नहीं आता है, आपको उसको मैं 2-3 बार प्रेशर लगा करके लगाती हूँ तब जाकर के कलर आता है, लगाने के बाद इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बट ये बहुत जल्दी चला जाता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है। 1500 की लिपस्टिक दे रहे हो आप यार, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी तो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए वो। कैन यू सी दिस, ये आप देख रहे हो कि नहीं, ये अभी थोड़ी देर में मैंने सिर्फ ऐसे किया है लाइक दिस, मेरी हैबिट ऐसे करने की, और ये यहाँ से उड़ चुकी है। दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट दिस लिपस्टिक, अभी मेरे को दूसरी लगानी पड़ेगी। इतनी महंगी लिपस्टिक अगर ऐसा रिजल्ट देती है तो क्या मतलब है ऐसी लिपस्टिक लेने का। सो आई वुड से कि अगर आपको शौक में लेना है, क्योंकि सब लोग दिखाते हैं, तो आप ले सकते हो, बट दिस इज नॉट वर्थ द प्राइस, ट्रस्ट मी। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं फटाक से आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनी हुई हूँ। तो ये है मेरा जीन्स एंड ये है मेरा टॉप, एंड आई एम कैरिंग दिस बैग ताकि इसमें अम्ब्रेला आ जाए, बिकॉज यू नो अभी भी बाहर बारिश, अभी तो बंद है बट थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज माय फुटवेयर। ओके, तो फाइनली मैं आ गई हूँ, और मैं डिस्क्लोज करती हूँ मैं किससे मिलने के लिए आई हूँ। हाय आयुषी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो लोग DIY पसंद करते होंगे या क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें पसंद करते होंगे वो इसको जानते होंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले ना एक पोस्ट शेयर किया था मैंने, जो तुमने डाला था ना, रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग माई चैनल, तो मैंने उसको रीपोस्ट किया था। तब मुझे 3-4 लोगों ने मैसेज किया था कि अरे इसको भी हम जानते हैं, ये बहुत अच्छा DIY बना रहा है, तो शी इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी, बट हमारा बहुत दिनों से चल रहा था ना मिलना है, एंड नहीं करके पास में आई, यहीं थाने में रहती है सोचो, और उसके बाद हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो लेट्स सी अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ पर भी बैठेंगे देन वी विल कैच यू लेटर।
तो जब दो लड़कियां मिल जाती हैं तो हम करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे हैं, ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अगर कुछ खरीदते हैं हम तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ। अभी हम ट्राई रूम से बाहर निकले और सोच रहे हैं मेरी कंफ्यूजन में है कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो वही सब चल रहा है। ये मुझसे पूछती है कि आप मुझे रोकना, मतलब तुम मुझे रोकना कि मैं ज़्यादा शॉपिंग ना करूँ, और मैं बोल रही थी पूछ किससे रही है मैं खुद बहुत शॉपाहोलिक हूँ। Hey guys, so finally I'm back, और मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और चेंज करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Hey guys, तो अभी विक्की आज थोड़ा सा जल्दी घर आ गया है बिकॉज आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो विक्की पहले ही थोड़ा जल्दी निकल गया था, अदरवाइज वो फंस जाता ट्रैफिक में बहुत गंदा वाला। और मैंने जो नाइट सूट पहना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है नाइट सूट एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़िवामे, और ना या दिस इज़ फ्रॉम ज़िवामे। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, और अदरवाइज आप मेरे चैनल में जाकर के भी देख सकते हैं, रुचि स्टाइल कॉर्नर ज़िवामे ऐसे डाल दीजिएगा तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा आपके सामने, वहाँ से मैंने परचेस किया था। और अभी हम दोनों यहाँ पर विक्की बैठने वाला है, यहाँ पर मैं बैठने वाली हूँ, हम दोनों अपना अपना काम करेंगे और अपन कौन सी सीरीज देखें। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कौन सी सीरीज देखते हो, आप ये पूछो कि हम कौन सी सीरीज नहीं देखते हैं। हमने इंडियन वाली जो सीरीज है, इंडियन टेलीविजन जितनी भी सीरीज है ना, मोस्टली जितनी भी टॉप 30 सीरीज होंगी ना, जैसे क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गई सारी सीरीज का, सीरीज के नाम याद नहीं रहते, आई एम वेरी बैड टू इट। तो मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने थ्रिलर में से कौन कौन सी सीरीज देखी है। मिर्ज़ापुर मस्त, जितने मैं बता रही हूँ ये सब मस्ट वॉच मूवीज हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर हो गया, उसके बाद सेक्रेट गेम्स 1 बहुत अच्छा था, 2 बहुत ही थर्ड क्लास बना करके बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। ब्रेथ देख ली, डेली क्राइम्स देख ली, डेली क्राइम देखने के बाद आपको रात में नींद नहीं आएगी, अगर आप रात में देखोगे तो मतलब इतने आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। जो डेली रेप केस हुआ था, क्या पिक्चराइजेशन के साथ उन लोगों ने बनाया, तो मैं वेट कर रही हूँ उसके पार्ट 2 का। आई एम श्योर पार्ट 2 ये लोग बहुत खराब कर देंगे, पता नहीं क्यों। फिर क्रिमिनल जस्टिस देखी, क्रिमिनल जस्टिस भी बहुत अमेजिंग मूवी थी, उसको देखने के बाद भी मेरे को एकदम गूज़बम्स आ गए थे। पॉइजन देख चुकी हूँ मैं, स्मोक देख चुकी हूँ, उसके बाद द फाइनल कॉल देख चुकी हूँ क्योंकि बहुत ही थर्ड क्लास थी। रंगबाज देखी, रंगबाज बहुत अच्छी थी। उसके बाद कौशिकी देख चुकी हूँ मैं, मसूरी देख चुकी हूँ, ट्रुथ और तमन्ना देख चुकी हूँ, ऑपरेशन उबरा देख चुकी हूँ, अपहरण देख, हमने सबसे फर्स्ट जो सीरीज देखी थी ना विक्की ने अपहरण डाउनलोड करी थी, उसको कहीं ऐड वैड दिखा था, वो देखने के बाद मेरे को एकदम से ऐसा एडिक्शन नहीं रहता कि हाँ हाँ सीरीज देखते, मतलब उसका लेवल यहाँ था, इतनी अमेजिंग थी वो सीरीज एडिक्शन नहीं, भूत चढ़ता है इनको इनको मैंने पहली गलती करी थी अपहरण दिखा के, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आज तक हम लोगों ने उसके बाद कोई पिक्चर नहीं देखी, वी डोंट सी मूवीज जस्ट बिकॉज शी वांट टू सी सीरीज ओनली। यार सीरीज का लेवल यहाँ है, नहीं है, है यहाँ है, मूवीज का लेवल यहाँ है, तो अपने लेवल की चीजें देखा करो ना, यहाँ है। Let me tell you one more thing. पिक्चराइजेशन यहाँ है, यहाँ यहाँ यहीं पर है ना, हाँ यहाँ है, ठीक है। एंडिंग वो ज़मीन के नीचे करते हैं, इतना थर्ड क्लास एंडिंग कर रहे हैं ये लोग सारी सीरीज का, भगवान जाने कैसे। वो उसका देख करके बोल रहे हो ना, वो वाली सीरीज देख करके, सारी सीरीज नहीं बता सकते, वो पहली अच्छी थी इसीलिए मैंने दिखाई। मिर्ज़ापुर पार्ट 2 आने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं पार्ट 2 का। जिनका भी पार्ट 2 बना है वो बेकार कर दिया, यू डू नॉट सी इट, अरे ठीक है ना, बहुत बेकार है अभी। हाँ मैं बात कर रही हूँ जब रिकमेंडेशंस मांगती हूँ सीरीज के लोगों से तो मुझे इसका नाम बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, तो देख ली तो सब मैंने पहले ही देख ली है, तो ऐसा। तो मैं काफी सारी सीरीज देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और अभी एक और, अभी कौन सी दिखा रहे हो? नहीं दिखा, अरे बताओ ना अभी कौन सी डाउनलोड करी है। आज विक्की एक कोई सीरीज दिखा रहा है मुझे, उसकी है मनोज वाजपेयी की। बाय द वे विक्की के शूज आ चुके हैं, ये है फाइनली, विक्की ने रीबॉक लिया है, और मैं आपको शूज दिखाती हूँ। तो ये इस तरह का शूज है, वाइट कलर का, विक्की को वाइट कलर एक्सेस बहुत पसंद नहीं आ रहा है, तो इट माइट पॉसिबल कि वो चेंज करेगा इसको, बट मैं बोल रही हूँ कि रख लो बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर ऐसा होता है कि वो चेंज करने का सोचेगा तो ये मैं मेरी तरफ से विक्की को गिफ्ट कर दूंगी, और विक्की अपने हिसाब से दूसरा ले लेगा, ठीक है? यस, बहुत क्लासी पीस है यार ये, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मीशो के बारे में, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं। मैं यहाँ पर अभी एक इमेज लगाऊंगी, एक मेरी सब्सक्राइबर टर्न फ्रेंड आप बोल सकते हो उनको, तो वो अभी सब लोग देखते हैं कि मैं डेली मीशो 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 करती रहती हूँ। तो उन्होंने लास्ट 4-5 बार से वो सोच रही थी डाउनलोड करती हूँ, देन शी डाउनलोडेड और डाउनलोड किया और उनका उन्होंने स्टार्ट किया मीशो करना। एंड ट्रस्ट मी, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। प्रतिभा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, नीचे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताओ ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैं फेंक रही हूँ। तो मतलब काफ़ी सारी लेडीज़ें मेरे को मैसेज करती हैं कि उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इससे एंड दे आर अर्निंग नाउ एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं क्या है, क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आप घर बैठ करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी ऐसे फिजिकल शॉप या आपको सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद का एक पैसा भी नहीं जाएगा, सब कुछ मीशो के ऐप पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली खरीदेंगे या ऐसा करके, तो आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करना है। अगर आपके लिंक के थ्रू शॉपिंग की जाएगी तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो भी उस प्रोडक्ट का, वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। और बहुत इजी है, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कैसे ये वर्क करता है तो मैं इसके पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी बार वीडियो बना चुकी हूँ, डिटेल में आप वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आज का वीडियो जो है मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।